हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और 2024 आपके जीवन में बहुत ही खुशियां लेके आए, और भगवान करे कि आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो और साथ साथ मेरी भी। मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा कि जो भी मेरी मनोकामना हो पूर्ण हो, और 2024 मेरे लिए भी और खुशियों का सौगात लेके आए। तो फ्रेंड्स, आज है साल का पहला दिन, तो मैं सोची कि आप लोग से थोड़ा बहुत बात कर लूँ। तो अभी नाश्ता वास्ता हो गया है सबका, और अभी दोपहर का खाना बनाना है, और आज का दिन देखते हैं कि किस तरीके से होता है, क्या होता है। लेकिन ठंड बहुत है तो पता नहीं क्या होगा। बढ़िया। और ये चले गए हैं ड्यूटी, क्योंकि आज भी छुट्टी नहीं है, तो देखते हैं कि क्या होगा। बच्चों लोग से पूछते हैं कि क्या बनेगा। अभी तो नाश्ते में मैं बनाई थी गाजर का हलवा, मैगी, कचौरी, ये सब बना था, गुलाब जामुन था, तो यही सब नाश्ता हुआ है। और अभी लंच बनाना है, शाम का सेलिब्रेशन कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं किचन में, और अभी हम ब्रेकफास्ट करके पानी नहीं पिए थे, तो वही थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी करके पी रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत ठंडी है तो पानी ऐसे नहीं पिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, और मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और 2024 मेरा सक्सेस बनाइए। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए मैंने गाजर का हलवा बना लिया था। तो हमारा गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, और यहाँ पे आलू की कचौरी सब रेडी है। तो अभी हम जा रहे हैं लोग ब्रेकफास्ट करने सब लोग। तो सब लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है, और इनको मैंने लंच भी दे दिया है, क्योंकि अभी ये आएंगे सीधे ही 6 बजे, शाम में 6 बजे, तो इसलिए मैंने लंच दे दिया है उनको। और हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, इतना अभी बचा भी है गाजर का हलवा मेरा, तो इसको निकाल के हम खाली करेंगे, कढ़ाई को धो देंगे। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है छोले बनाने के लिए, मतलब चाट बनाऊंगी उसके लिए मैंने यहाँ पे गर्म पानी में भिगो दिया। एक शब्द नहीं बोल रहे हमारे, फिर आज 1 जनवरी है, नहा तो लो कम से कम। हाँ, हाँ हाँ नहीं नहाओगे तो मजा आएगा। वाह, और आज क्या क्या करोगे कि पूरे साल करते रहोगे, ये बताओ। हाँ, पापा जो पैसे दिए थे ना, हाँ, उससे डिज्नीलैंड घूमने जाएंगे, ताकि हमेशा डिज्नीलैंड। अच्छा, बस घूमने का मन है, और पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ना नहीं पड़ेगा, देखेंगे। नहीं, पढ़ना नहीं पड़ेगा ना। और अच्छा अच्छा चीज खाएंगे कि एक साल तक, मतलब पूरे साल खाएंगे अच्छा चीज, है ना? यही सोच है मेरे बच्चे की। मम्मी, पिज़्ज़ा वो मिल गया? क्या चीज? पिज़्ज़ा बेस। नहीं, दीदी गई ही नहीं लेने पिज़्ज़ा बेस, बोल रही है कि हम ले जाएंगे। तो कहाँ से खाएगी? बेचारी उम्र चाय, लेकिन मम्मी छत पे चाय का इंतजार कर रही है, और चाय लेके आ। और अभी मैंने बच्चों लोग का नौटंकी दिखाया, यही होता है, इन लोग का छुट्टी हो गया है तो दिन भर ये लोग टीवी देखते रहते हैं, लैपटॉप देखते रहते हैं, और यही सब चलते रहता है इन लोग का। और डांटने पे भी ये लोग नहीं सुनते हैं, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं आ गई छत पे मम्मी के लिए चाय बना के, और अपने लिए भी, क्योंकि धूप तो हो गया है, लेकिन मम्मी बोली कि छत पे ही मैं जा रही हूँ चाय लेके आना बना के। तो एक बार दोपहर वाला चाय हम छत पे ही हम लोग पी लेते हैं, धूप हुआ है तो बैठ के। और ये देखिए, घर के सामने यहाँ पे मेला लगा हुआ है डिज्नी लैंड, और सामने ही पार्क है, उस सब में कितने सारे। और इसके बाद दोपहर का खाना हुआ, और लंच करने के बाद फिर बच्चे लोग जिद करने लगे कि मम्मी लेके चलो घुमाने घुमाने, कुछ खिलाने। तो हम लोग आ गए हैं घूमने, सेलिब्रेट करने कुछ। ये गुनगुन जी है, आइए पिज्जा खाना। ये हम है, और ये है, यहाँ
माय टॉमी क्या बोल सकती है। और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से सेलिब्रेट हुआ। पहले हम लोग पिज़्ज़ा खाए, फिर मॉल घूमे, फिर जाके हम लोग गोलगप्पा खाए, और बस कुछ कुछ ऐसे जो जो मन हुआ हम लोग घूमे फिरे खाए पिए, और लास्ट में फिर हम लोग अपना हाथ मुंह धो के फिर मंदिर गए, मंदिर प्रसाद चढ़ाए, मंदिर भगवान का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। साल का पहला दिन था तो हम लोग बोले कि चलो आए हैं घूमने तो मंदिर भी घूम लेते हैं। तो हम और दोनों बच्चे ही आए हैं, सिर्फ मम्मी बोली कि नहीं बहुत ठंड है हम नहीं जा पाएंगे, और इनके पापा थे ही नहीं तो इसलिए हम ही लेके आ गए हैं बच्चों लोग को घुमाने। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे हम आए हैं महावीर जी के मंदिर में, पंचमुखी महावीर जी हैं ये, हमारे बालाजी महाराज हैं तो उनको ही हम लोग आ गए हैं प्रसाद चढ़ाने। तो दिया यहाँ पे हम लोग दिया जला दिए, प्रसाद चढ़ाए, प्रणाम किए, और थोड़ा बहुत इधर भी घूमे फिरे, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खिंचवाए, फ़ोटो सेशन हुआ। हम लोग का इस साइड सजा हुआ था तो डेकोरेशन हुआ था अच्छा सा, तो हम लोग यहाँ पे अपना वो कर लिए। फिर घर आए तो जल्दी जल्दी 6 बज गया था शाम का, अंधेरा हो गया था। फिर घर आए, फिर शाम का आरती किए, दिया जलाए, इसके बाद चाय बना के दिए। फिर हम यहाँ चाट बनाने के लिए मटर भिगा के जो गए थे तो हमारा फूल चुका था अच्छे से। फिर हम यहाँ पे बैठा दिए हैं थोड़ा सा आलू 2-3, क्योंकि मटर का चाट बनाना था तो यहाँ पे हम आलू और मटर हल्दी नमक डाल के सीटी लगा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम प्याज लहसुन टमाटर अदरक जो भी काटना था उसको कट कर लेते हैं। और इधर बाबू इतना बदमाशी कर रहा था, देखिए बिल्कुल बंदर है, किस तरीके से कर रहा है बंदर जैसा, और बार बार कैमरे के आगे देखिए, ये देखिए क्या कर रहा है, ऐसे ही करते हैं। और बार बार बोल रहा था कि मम्मी मोबाइल दे दो, और मोबाइल को हिला भी रहा था कैमरे को, और इसी से मैं बात कर रही थी और उसको डांट रही थी कि क्या कर रहे हो। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they और एक गया तो एक आ गई। महारानी जी बोल रही हैं कि मैडम जी बोल रही हैं गुनगुन कि हम फिर से जाएंगे घूमने, पापा आए हैं तो पापा के साथ जाएंगे घूमने। और वही पे बोल रही थी कि मम्मी ये मत बताना कि हम लेकिन गए थे घुमाने इन लोगों को, हम लोग फिर से जाएंगे घूमने। तो उसी को मैं यहाँ डांट रही थी कि ऐसा थोड़ी होता है, कितना बार घूमोगे तुम लोग। तो बस, और ये हमारा चाट बनने को हो गया है शुरू। तो मैंने कढ़ाई रख दिया है धो के वापस वही वाला, और इसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो भी था सब भून ऊन के, इसके बाद बेसिक मसाले जो भी डलता है वो डाल दिए, फिर चाट मसाला डाल दिए। और ये हमारा बॉईल हो गया है, मटर और आलू को मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है, और अब इसमें हम डाल के इसको चला लेंगे और नमक डाल देंगे, अपने हिसाब से पानी डाल देंगे आप जितना डालना है, और बाकी तो ऊपर से जो भी सजाने वाला चाट में होता है सब सामान उसको हम रेडी अभी जा रहे हैं करने। और इतना टेस्टी बना था हम लोग का चाट कि सब लोग बोल रहे थे कि हाँ बहुत टेस्टी बना है, मतलब सच में बहुत टेस्टी बना था, कि एकदम मन नहीं हट रहा था कि और ना खाए ऐसा नहीं हो रहा था, जबकि हम लोग खा के बाहर से भी आए थे, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बन गया था चाट हमारा। तो आप लोग का किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।